पिछले दो सालों से पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। एक तरफ जहां हर साल एक नए वेरिएंट के साथ ये महामारी लोगों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी कमजोर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इंसानों के बीच तेजी से फैल रहे एक सुपर बग ने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। मेडिकल साइंस के लिए ये बैक्टीरिया सुपर बग पिछले कुछ साल में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में कोविड-19 का संक्रमण इसे और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित स्टडी बताती है कि अगर ये सुपर बग इसी रफ्तार से फैलता गया तो इसके कारण हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। मौजूदा वक्त में इस सुपर बग के चलते दुनिया भर में हर साल 13 लाख लोगों की जान जा रही है। लेसेंट की स्टडी में खुलासा हुआ है कि सुपर बग पर एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाएं भी असर नहीं करती हैं। क्या ये सुपर बग दुनिया के लिए एक नए तरह का खतरा पैदा कर रहा है? सुपर बग क्या है? ये बैक्टीरिया का एक रूप है। कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं तो कुछ इंसान के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ये सुपर बग इंसान के लिए घातक है। ये बैक्टीरिया वायरस और पैरासाइट का स्ट्रेन है। जब बैक्टीरिया वायरस फंगस या पैरासाइट समय के साथ बदल जाते हैं तो उस वक्त उन पर दवा असर करना बंद कर देती है। इससे उनमें एक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होने के बाद उस संक्रमण का इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो सुपरबग उस तरह की स्थिति है जब मरीज के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया वायरस और पैरासाइट के सामने दवा बेअसर हो जाए। सुपरबग किसी भी एंटीबायोटिक दवा के अधिक इस्तेमाल या बेवजह एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करने से पैदा होते हैं। डॉक्टरों की माने तो फ्लू जैसे वायरल संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक लेने पर सुपरबग बनने से अधिक आसार रहते हैं, जो धीरे धीरे दूसरे इंसानों को भी संक्रमित कर देते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार हमारे देश में भी निमोनिया और सेप्टिसीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं कार्बपेनेम मेडिसिन अब बैक्टीरिया पर भी असर हो चुकी है। इस वजह से इन दवाओं के बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। कैसे फैलता है खतरनाक बग? सुपर बग एक से दूसरे इंसान के त्वचा संपर्क, घाव होने, लार और यौन संबंध बनाने से फैलता है। एक बार सुपरबग के इंसान के शरीर में होने पर मरीज पर दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। फिलहाल सुपरबग की कोई दवा मौजूद नहीं है, लेकिन सही तरीका अपनाकर इसकी रोकथाम की जा सकती है। कोरोना सुपरबग की जुगलबंदी से मचा है कोहराम। कोरोना महामारी के बीच कुछ दिनों पहले ही सुपरबग की वजह से हो रही मौतों पर लेसेंट ने स्टडी की है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में ICMR ने 10 अस्पतालों में अध्ययन किया और पाया कि कोरोना वायरस के बाद से लोग ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने लगे हैं। एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल और सुपरबग के कारण हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। कोरोना से संक्रमित होने वाले लगभग 50% से ज्यादा कोविड मरीजों को इलाज के दौरान या बाद में बैक्टीरिया या फंगस के कारण इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। स्टडी की माने तो दुनिया में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मेडिकल साइंस की सारी तरक्की शून्य हो जाएगी। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। स्कॉलर एकेडमिक जर्नल ऑफ फार्मेसी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 सालों में दुनिया भर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 65% बढ़ गया है। कोरोना महामारी से बचने और अपने कमजोर इम्यूनिटी से डरे हुए लोग अब सामान्य सर्दी जुकाम में भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका को इस सुपर बग के कारण $5 अरब का नुकसान हो रहा है। एंटीबायोटिक ज्यादा खाना खतरनाक। लेसन की इसी अध्ययन में बताया गया है कि कैसे कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में हो रहे मरीजों ने AMR के बोझ को बढ़ा दिया है। इसका एक कारण है कि कोरोना के इलाज के दौरान ज्यादातर मरीजों को एंटीबायोटिक दी गई। सुपर बग से कौन सी बीमारियां होती हैं? साल 2021 में अमेरिका ने 10 रिसर्च से ज्यादा में पाया है कि सुपर बग के कारण प्रीमेच्योर बर्थ का जोखिम बढ़ता है। वहीं पुरुषों को पेशाब से जुड़ी परेशानी होती है। हालांकि इससे इंसानों में लंबे समय तक होने वाले दुष्प्रभावों पर अभी और रिसर्च की जा रही है। कैसे बचें सुपरबग के प्रकोप से? सुपरबग से बचने के लिए सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धोएं। हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खाने के सामान को साफ जगह पर रखें। भोजन को अच्छी तरह से पकाना और साफ पानी का इस्तेमाल करना। बीमार लोगों के संपर्क से बचें। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही किसी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें। एंटीबायोटिक दवाओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।